बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपको अपने इस वीडियो में स्कैल्प की नर्व एंड द ब्लड सप्लाई को बताऊंगी। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक पार्ट में मैं आपको ब्लड सप्लाई का बताऊंगी, जिस तरह कि आप इस पार्ट में देख सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प बताऊंगी। फर्स्ट, ये जो स्कैल्प ड्रॉ हुआ है, इसकी एनाटॉमी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये दो ईयर्स हैं, ठीक है, और ये नोज है, ठीक है, और ये नोज से मैंने दो डिवाइड की। तरफ मैं आपको ब्लड सप्लाई जो कि रेड कलर से आपको शो हुई है, और एक तरफ येलो कलर से जो आपको शो हुई है वो आपका नर्व सप्लाई है, ठीक है। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो आपको शो हो रहा है स्कैल्प, ये सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कैल्प, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये आपको मैंने सुपीरियर व्यू शो किया है। तो नोज आपकी एंटीरियर साइड होगी, ये राइट एंड लेफ्ट साइड्स होगी, और ये आपकी पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है। अब हम सिर्फ, क्योंकि ब्लड सप्लाई पर ये वीडियो बन गई है, तो मैं आपको सिर्फ ब्लड सप्लाई पर फोकस करूंगी। आपने ईयर से तीन आगे की तरफ, मतलब एंटीरियर साइड पर आर्टरीज ड्रॉ करनी है, और दो पोस्टीरियर साइड पर, टोटल फाइव आर्टरीज आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तीन एंटीरियर साइड पर कान के आगे वाली साइड पे, और दो आपने कान के पीछे वाली साइड पे ड्रॉ करनी है। अब हम इनके नेमिंग कर लेते हैं। फर्स्ट, आपके जो कान के आगे वाली साइड की आर्टरी है, उसका नेम है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। सेकेंड वन नेम सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब आपने ये दोनों आर्टरीज देखी हैं, ये ऑब्वियसली किसी ना किसी मेन आर्टरी की ब्रांचेस होंगी, तो वो मेन आर्टरी कौन सी है? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ये दोनों क्या हैं? ब्रांचेस हैं, जो कि स्कल्प के एंटीरियर साइड पर सप्लाई देती हैं। अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों के नेम, अगर आप इनकी आर्टरी रिमूव कर दें और इनके आगे नर्व लगा दें, तो आप देखें फर्स्ट टू नर्व्स जो यहाँ पे शो हुई हुई हैं, उनके नेम भी सेम है, ठीक है, एज इट इज है। सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। तो अगर आपने ये दो नेम्स आपके आर्टरी के याद हो जाए, तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपके नर्व के नेम भी दो याद हो गए। इसके बाद हम आप थर्ड, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई की वीडियो है, तो उसमें हम नर्व को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम वापस ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं। तो ब्लड सप्लाई में आपकी जो थर्ड वाली है, वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इसको ये नाम क्यों दिया गया? सुपरफिशियल मीन के सुपरफिशियल है, टेम्पोरल मीन ईयर, ईयर से सुपरफिशियल है, इसलिए इसका नेम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। उसके बाद आप फोर्थ वन, ईयर के जो पीछे दो आर्टरीज हैं, उनमें से जो फोर्थ वन है, मीन वन टू थ्री एंड फोर्थ, फोर्थ इसका नेम है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, एंड लास्ट वन नेम ऑसिपिटल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो तीनों आर्टरीज हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, और भी ऑसिपिटल आर्टरी, ये तीनों जो हैं, ये इनकी जो मेन आर्टरी है, उसका नेम है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी टर्मिनल ब्रांच है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी, ये दोनों पोस्टीरियर ब्रांचेज हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इस तरह से आपके स्कल्प की जो ब्लड सप्लाई है, वो एक्सप्लेन हो जाती है।